सो गाइस आज की इस वीडियो हम लोग करने वाले कुछ इस टाइप के टाइपोग्राफिक फेस टेक्स्ट फोटो एडिटिंग एंड आप देख सकते हैं ये फोटो एडिटिंग काफी ज्यादा यूनिक है। आपको भी कुछ इस टाइप का फोटो बनाना है तो वीडियो के एंड तक देखते ही एंड पूरी की पूरी फोटो एडिटिंग हम लोग पिक्सआर्ट की मदद से करने वाले हैं। तो चलिए गाइस आज की इस कमाल की वीडियो को यहीं पे स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस आप लोगों को पिक्सआर्ट के ओपन करने के बाद यहाँ बैकग्राउंड पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारा बैकग्राउंड मिल जाएंगे तो कोई भी एक बैकग्राउंड को आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे मैंने इस वाले बैकग्राउंड को ले लिया, आप कोई भी बैकग्राउंड ले सकते हो। उसके बाद ऐड ए फोटो पे जाना है गाइस एंड आपको जो भी फोटो एडिट करना है उस फोटो को यहाँ पे ऐड कर लेना है। तो मैंने इस फोटो को ले लिया है। लेने के बाद आपको इस फोटो को पूरे इस बैकग्राउंड के ऊपर अच्छे से ऐसे सेट कर देना है। सेट करने के बाद आपको राइट के आइकन पे क्लिक कर देना है तो यहाँ से आपका फोटो डन हो जाएगा। एंड गाइस यहाँ पे जो बगल बगल से थोड़ा बहुत बैकग्राउंड आ रहा है तो हम सबसे पहले चलेंगे टूल्स पे एंड टूल्स पे जाने के बाद क्रॉप पे जाएंगे और बगल बगल से जो थोड़ा बहुत एरिया है उसको हम लोग यहाँ से कट करके निकाल देंगे। एंड देख सकते हो हमारा पूरा फोटो अच्छे से आ चुका है। अब गाइज आप लोगों को चलना है इफेक्ट पे एंड इफेक्ट पे जाने के बाद आप लोगों को एक फिल्टर मिल जाएगा, देख सकते हो ब्लैक एंड वाइट फिल्टर। इस फिल्टर पे क्लिक करना। यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट के बहुत ज़्यादा फिल्टर हैं लेकिन जो सबसे पहला फिल्टर है ब्लैक एंड वाइट उसको क्लिक करेंगे एंड यहाँ से राइट के आइकन पे क्लिक करें, यहाँ से डन कर लेंगे। डन करने के बाद गाइस हमको टूल्स पे चलना है एंड यहाँ से जाना है एडजस्ट पे। सबसे पहले गाइस हम थोड़ा सा ब्राइटनेस को इंक्रीज करेंगे एंड उसके बाद थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा लेंगे, क्लैरिटी को बढ़ा लेंगे एंड सेचुरेशन को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, हाईलाइट को भी थोड़ा सा बढ़ा लेंगे एंड शेडो को थोड़ा सा कम करेंगे एंड टेम्परेचर को भी थोड़ा सा कम करेंगे। सो इतना कम्प्लीट करने के बाद डन कर देना है एंड डन करने के बाद वापस से हमको ऐड फोटो पर जाना है। ऐड फोटो पे जाने के बाद आपको यहाँ बैकग्राउंड पे क्लिक करना है एंड यहाँ से जो ब्लैक कलर का बैकग्राउंड है उसको सिलेक्ट कर लेना है। तो देख सकते हो यहाँ पे फोटो आ चुका है तो इसको फुल साइज पूरा कर देना है अच्छे से। करने के बाद आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में इरेजर का बटन है, उस पर क्लिक करेंगे एंड इनवर्ट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद ब्रश को क्लिक करेंगे, उसकी साइज वगैरह मिनिमाइज कर लेंगे। सबसे पहले हार्डनेस को बढ़ा देंगे एंड ईजिली फोटो को जूम करेंगे और धीरे धीरे जैसे मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ आपको भी ऐसे पूरे अपने फोटो पे पेस्ट कर देना। आई मीन आप ये मान सकते हो कि आपका फेस छोड़ के जितना भी एरिया है उसको आप लोगों को ब्लैक कर लेना है। अगर आप किसी ऐसे स्थान पे फोटो क्लिक करवाते हो जहाँ पहले से ही ब्लैक है तो आपको ब्लैक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ब्लैक नहीं है तो आप इस टिप का यूज़ करके ब्लैक कर सकते हो और ईजिली यहाँ से डन कर सकते हो। उसके बाद गाइस आप लोगों को ड्रो टूल पे चलना है एंड जाने के बाद सबसे पहले आप लोगों को ऐड फोटो पे जाना है एंड आप लोगों को एक पीएनजी मिल जाएगी, टेक्स्ट की पीएनजी। रुको मैं दिखाता हूँ। तो ये रही वो पीएनजी, सबसे पहले इसको हम लोगों को ऐड करना होगा। तो यहाँ पे हमने इसको ऐड कर दिया। सबसे पहले हम यहाँ लेयर पर क्लिक करेंगे, इसकी ब्लाइंडिंग मोड को हम लोग स्क्रीन कर देंगे। स्क्रीन करने के बाद आपको थ्री डॉट पे क्लिक करके ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करना है। इस फोटो को जूम करके पूरा अच्छे से बड़ा कर लेना है, आपका फेस और हेयर जो होता है इससे कवर कर लेना है। उसके बाद आपको लेयर पे क्लिक करना है, एक एम्प्टी लेयर बना देना है। फिर से गाइस आपको ऐड फोटो पे जाना है। ऐड फोटो पे जाने के बाद इस बार आपको टेक्स्ट का ईपीएनजी लेना है लेकिन कुछ अलग तरीके का। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद देख सकते हो ये वाले पीएनजी लेना है एंड फिर से इसकी ब्लाइंडिंग मोड को आपको स्क्रीन करना है। स्क्रीन करने के बाद गाइस थ्री डॉट पे क्लिक करके ट्रांसफॉर्म कर लेंगे। ट्रांसफॉर्म करने के बाद जो आपका नीचे का एरिया सेट वगैरह जो भी आप पहने रहोगे वहाँ पे सेट कर देना है। उसके बाद फिर से एम्प्टी लेयर बनाना है और ऐड फोटो पे जाना है। ऐड फोटो पे जाने के बाद इस बार इस वाली पीएनजी को लेना है, इसकी भी ब्लाइंडिंग मोड को स्क्रीन कर देना, थ्री डॉट पर क्लिक करना, ट्रांसफॉर्म पर क्लिक करना एंड जो बगल साइड का थोड़ा बहुत बाकी है उसको इससे कवर कर देना एंड गाइस डन कर देना। उसके बाद आपका जो फेस वाला लेयर है उस पर क्लिक करके यहाँ से हम लोग मर्ज कर देंगे। उसके बाद ऊपर क्लिक करेंगे एंड थ्री डॉट पे क्लिक करके मर्ज कर देंगे। इतना करने के बाद इसकी ब्लाइंडिंग मोड पे चलेंगे। ब्लाइंडिंग मोड पे जाने के बाद यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड आप देख सकते हो फोटो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है लेकिन बगल बगल से आप लोग नोटिस कर रहे हो तो यहाँ पे हम लोगों को कुछ गैप दिखाई दे रहा है जो देखने में बहुत ही ज़्यादा ख़राब लग रहा है। तो इसको कैसे भरना है और फोटो को और भी ज़्यादा अच्छा कैसे बनाना है ये सारी चीज़ें भी देखेंगे हम। तो सबसे पहले इसको आप लोगों को मर्ज कर लेना है। मर्ज करने के बाद आप लोगों को एक एम्प्टी लेयर बनाना है, उस लेयर को नीचे करना है, यहाँ पे जो कलर वाला बॉक्स दिख रहा है उस पर क्लिक करना है, यहाँ से ब्लैक कलर को सिलेक्ट करना है एंड डन कर लेना है। उसके बाद थ्री डॉट पे क्लिक करके इन दोनों को आप लोग मर्ज कर सकते हो। तो यहाँ से मैं इसको डन कर देता हूँ एंड अभी फोटो को बहुत ही अच्छा बनाना है तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, चलना होगा इफेक्ट में। इफेक्ट में जाने के बाद आप लोगों को फिर से वे ब्लैक एंड व्हाइट इफेक्ट पे चलना है एंड इस बार इसके लास्ट में जाना। लास्ट में जाओगे तो ब्लैक एंड व्हाइट डीएसएलआर वाला जो है उसको अप्लाई करने के बाद डन कर देना है। तो देख सकते हो फोटो काफ़ी अच्छा बन चुका है लेकिन अभी थोड़ा सा काम और बाकी है। तो हम लोग चलेंगे सबसे पहले टूल्स पे। तो यहाँ टूल्स पे आ गए और एडजस्ट पे जाना है। एडजस्ट पे जाने के बाद गाइस थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना है तो सबसे पहले हम टेम्परेचर को थोड़ा सा माइनस कर देंगे एंड ईजिली यहाँ से कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा लेंगे। इतना काम कंप्लीट करने के बाद डन कर देना है। फोटो हमारी पूरी एडिट हो चुकी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हो तो इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।